कट करके बजेगा। हाँ भैया अबे चलेगा अगर आप कंफर्टेबल हो तो। हाँ बस कंफर्टेबल ये बजा बजा तो आगे मत जा। मैम कैप चलेगा थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो, फेस दिखना चाहिए बस, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे बस, सामने आते हैं ना। मैम वेट किया, मैम निकिया, मैम भैया अगर काम भी मार दो, मैम भैया पहले हम कर लेते, पहले पहले हम करेंगे। चलो बॉस दो दो जन राम दे साइड ला। मैम भैया इसको आप वीव कर दीजिएगा आशा से लता तक, ठीक है? एक्शन करो ना, थोड़ा एक्शन, एक्शन कर दो। बाहर भी बैठ, अरे यार तुम्ही चार चार जण थांबणार मग कसं तो देणार तुम्हाला? यार 10 मिनिट का टाइम है, चार चार जण कसं थांबणार? अरे यार दो, अरे हो 10 मिनट का बोल रहा है, फोटोग्राफर्स के फोटो लोगे तो प्लीज निकल लो यार। किती घेणार, एकच घेणार आहे, तिला चांगला काहीतरी बोलतं वगैरे झाला पाहिजे ना फोटो। तू सरप्राईज क्यों था? बोला सरप्राईज है आपके लिए। किसने बोला सरप्राईज है? अरुण तू बोला था ना सरप्राइज? नहीं उनके लिए सरप्राइज हुआ बिकॉज उनको कुछ मालूम नहीं था मीडिया। अदिति ने कॉल किया पारुल को, सो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट आई अंडरस्टैंड नाउ, आई नो एवरीथिंग। उनको पता है। हां सॉरी मैम, एक एक्शन करते हो फोटो बना, एक्शन बहुत फेक लगता है। नहीं यहां पे दो थोड़ा क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फील आशा जी और लता जी के बारे में बात? मैं देखिए सर, मैं म्यूजिशियन हूँ डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले तो मैं एक इंडियन हूँ और मैं ऑडियंस हूँ, ऑडियंस में से हूँ। तो मैं डाई हार्ड फैन हूँ जैसे बाकी हमारे क्रोर्स ऑफ पीपल आर ऑफ लता जी आशा जी, वी आर लिविंग लेजेंड्स। हम उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। अभी भी व्हेन आई वाज डूइंग द रियलिटी शो एंड शी वाज प्रेजेंट, मैं इंटीमिडेशन दूर की बात, इट्स लाइक सीइंग गॉडेस ऑफ म्यूजिक ऑफ आर कंट्री, एकदम साक्षात में मिली। तो आई एम थैंकफुल दैट हम लोगों के पास फॉर यंग म्यूजिशियंस। वन सेकेंड, हाँ सो मैं सोचती हूँ कि हम लकी है कि हमारे लिए ये एग्जाम्पल्स है, इनके गाने सुन सुन के रेफरेंस मिलते थे हमें फॉर रोमांटिक सॉन्ग्स एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड दैट आई एम बीइंग एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो जहां पर उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड। चैलेंजिंग
ऑनेस्टली अपने आप को क्या होता है जब आप काम करते हो ये डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन है तो यू टेंड टू शिफ्ट फ्रॉम द रियल आर्ट एंड जो एक्चुअल चीज है हमारा वो मैं शिफ्ट नहीं होना चाहती वही चैलेंज है. बाकी एक्टिंग का ऑफर आया तो जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर के लिए ऑफर मैंने कभी थिएटर किया नहीं है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कमिटमेंट है तो वो करने की बट मेरे रिकॉर्डिंग्स भी बैलेंस करने की. मैं जब मूवीज में गई थी तो मेरे रिकॉर्डिंग्स हैम्पर्ड हो रहे थे जो मैं कर नहीं सकती भी मैं आई हैड फोकस्ड ऑन दैट. सो वो बैलेंस करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है टाइम वाइज बट वो पॉसिबल भी है. हम वेस्ट में सब करते हैं. हम आई होप के हमारे देश में मुंबई में भी ऑल्सो ये कम्फर्टेबली एडजस्ट करने का मौका न्यूअर टैलेंट्स को दिया जाए. चैलेंजिंग मैं बोलूंगी मेरे लिए सिर्फ यही है कि मेरा दिमाग सही रहे और फोकस्ड रहे फालतू चीजों में ना जाए. बिग एफएम के स्टूडियो में आप इतने सारे रेडियो चैनल्स से इतना कंपटीशन है बिग एफएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिग एफएम एज इट सेज बिग एफएम इज बिग तो कंपटीशन तो हर फील्ड में हर चीज में है. बट बिग एफएम का जो मुझे सबसे अच्छा लगता है पहले भी मैंने जब इंटरव्यू दिया है दैट वो हमारे जो ओरिजिनल इंडियन क्या बोलते ओरिजिनल इंडियन म्यूजिक जो है वो पुराने वो सब कुछ दे रिस्पेक्ट दोज म्यूजिक दोज सॉन्ग्स अलॉट जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ईडीएम सुनते हैं ये सुनते हैं सब कुछ सुनते हैं लेकिन हमारे जो एक्चुअल सालों से बने हुए जो गाने हैं जो हमारे एक्चुअल इंडियन म्यूजिक है वो खोना नहीं चाहिए वो बेस रहना चाहिए. तो दे प्रमोट दैट अलॉट एंड आई रियली लव दैट. आई एम एक्साइटेड टू हैव एन इंटरव्यू गिव एन इंटरव्यू टू हिम और हमेशा ऐसे शोज में बहुत मजा आता है तो फिर से मजा होने वाला है. फिल्मों के बारे में अगर आपके प्रोजेक्ट है सी फिल्मों का फिल्म आसान नहीं होते. बहुत सारे फिल्म बन रहे हैं ये है वो है और कोशिश जारी है. मैं एक नया कुछ चालू मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. बहुत महीने मैंने लगा दिए और मैं कर भी रही हूँ. आई एम लर्निंग प्रोसेस में. एक्टिंग तो होता रहता है होगा भगवान की दुआ से. जब सही प्रोजेक्ट आएगा तो होगा बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डेवलप आई एम गेटिंग इन टू बोलना नहीं चाहती अभी इट्स नॉट द राइट टाइम बट सीनियर से हेल्प मिल रहा है सीख रही हूँ and I hope I can complete the project that I'm trying to figure out. तो वही अभी वही बोलूंगी और कुछ खास नहीं बोलना. जाते आते आशा जी या लता जी का कोई एक गाना because उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है तो कोई एक गाना जो आपके काफी करीबी हो. बहुत सारे ऐसे कितने गाने हैं. ओके तो मैं आप लोग कोई बोलो ना गाना कोई सजेस्ट करो. समथिंग व्हिच यू गुड लाइक टू बी देयर ना आपको गाना अच्छा लगना चाहिए. अच्छा चलो मैं आशा मैंने वो कोक स्टूडियो के लिए किया था तो मैं वो ही गा देती हूँ. दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. थैंक यू.